हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट, बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में आपका जानकारी देने के लिए आ रहा हूँ। ये बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। अगर आप अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपको बहुत बेहतरीन जानकारी इसमें देने वाले हैं। आपको ये प्रोडक्ट्स में जो बता रहा हूँ ये सब लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स है। आपको बिजनेस करे ना करे, आपकी ज़िंदगी को ये बदल सकता है, आपके ज़िंदगी में स्वस्थ वातावरण लेके आ सकता है, आप अपने आप को खुद स्वस्थ रख सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बताऊँगा कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और उसके साथ आप बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो प्रोडक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ उसका नाम है क्रील ऑयल। जी हाँ, नाम कभी सुना है आपने? शायद नहीं सुना होगा। अगर सुने हैं तो इसके फायदे के बारे में आप क्या आपको पता है? जी, इसके बारे में आज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। ये जो क्रील ऑयल है दोस्तों, ये तीन चीज़ों से बना हुआ है जिसको बोलते हैं ओमेगा 3। ओमेगा 3 में क्या होता है? ALA, EPA और DHA, अल्फा लिनोलिक एसिड, इकोसा पेंटानोइक एसिड एंड आपका डोकोसा हेक्सानोइक एसिड। ये होता है ओमेगा 3, जो कि आपके स्वस्थ रखता है क्या, हार्ट को, ब्रेन को, और इवन आपके बॉडी में कोई फैट डिपॉजिट नहीं होने देता। ये तो तीन फायदे आपको ऐसे ही मैंने बता दिया। इसके साथ है फॉस्फोलिपिड। ये फॉस्फोलिपिड्स फॉर्म में आपके शरीर में आता है। फॉस्फोलिपिड्स है क्या? हमारे शरीर में कोई भी खाद्य जाता है वो डायरेक्ट आपके सारे शरीर में डिजॉल्व नहीं होता है, बहुत सारा चीज़ इसमें आपका वेस्ट के साथ निकल जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि बॉडी में बायो अवेलेबिलिटी का भी एक रेशियो होता है, लेकिन ये जो फॉस्फोलिपिड्स फॉर्म होता है, फॉस्फोलिपिड्स फॉर्म आपके बॉडी में पूरा ऑब्जर्व होता है। अगर आप इसको खाने में ले रहे हैं तो ये आपके हार्ट में, ब्रेन में, आपके बॉडी में असर दिखाएगा, ये वेस्ट नहीं जाएगा। एक तो चीज़ तो ये आपका सबसे उच्चतम स्रोत माना जाता है ओमेगा 3 का, जिसमें फॉस्फोलिपिड्स अटैच रहता है। और दूसरा चीज़ है कि इसमें अस्टाक्सांथिन करके एक है, अस्टाक्सांथिन, शायद मेरे से थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रहा है, अस्टाक्सांथिन करके है। ये अस्टाक्सांथिन होता क्या है? ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है दोस्तों। अब एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत क्या है आप ये पूछेंगे। देखिए दोस्तों, पहले चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे बॉडी में हमेशा ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता रहता है। जब से हम जन्म हुए मरने तक हमारे बॉडी में ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, और ये ऑक्सीडेशन के वजह से ही बॉडी में धीरे धीरे एजिंग प्रोसेस बढ़ता है। हम बड़े होते हैं फिर हमारा शरीर धीरे धीरे क्षय यानी कि ख़त्म होने लगता है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस जितना जल्दी या जितना ज़्यादा होने लगेगा तो आपका शरीर उतना एजिंग दिखाई देगा, आपके झुर्रियाँ आने लगेंगी। तो ये सारा चीज़ को कौन रोकेगा? एंटीऑक्सीडेंट्स रोकेगा। और ये अस्टाक्सांथिन जो आपको बता रहा हूँ, ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स है। इसका एक पहला पहला इसमें बेनिफिट आपका एंटी एजिंग, मतलब आपका एज का प्रोसेस को स्लो करेगा, बॉडी का जो एज है उसको स्लो कराएगा। दूसरा इसमें चीज़, हमारे बॉडी में जितने सारे फैट डिपॉजिट होते हैं वो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL के थ्रू होते हैं। ये जो LDL होता है वो शरीर में जब जाता है आपके वेंस के थ्रू प्रवाह होता है, यानी खून में जो प्रवाह होता है आपके वेंस के थ्रू, वो जब खून में आपका घूम रहा है वहाँ पर वो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू अटैच होता है। जब ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाता है तो वो डिपॉजिट होने लगता है, तब हम बोलते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारा चर्बी जमने लग गया। तो चर्बी जमने का पहला रीज़न होता है कि आपके अंदर जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि जो ट्रांसफैट्स आप ले रहे हैं वो ट्रांसफैट्रीन ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है। ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस जितना हाई रहेगा तो आपके बॉडी में उतने सारे फैट्स जमते रहेंगे। तो इससे सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स भी आपको मिल रहा है, जिसके वजह से आपके बॉडी में कोई फैट्स डिपॉजिट्स होने नहीं लगेगा, और धीरे धीरे जो भी डिपॉजिट हुआ है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो अगर आप ये क्रील ऑयल को यूज़ करते हैं, आप अपने ज़िंदगी के 10 साल तो जोड़ लीजिए दोस्त, 10 साल आपने ज़िंदगी के और खरीद लिए। आप सोच लीजिए, आज के जमाने में 50% जितने सारे डेथ होता है, डेथ इन मेडिकल्स, इसका एक सर्वे किया गया ICMR जिसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसने वो सर्वे में बताया है जितने सारे डेथ केसेस होते हैं उसका 50% होता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के वजह से होता है। जी हाँ दोस्तों, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ बेसिकली वही आपका हार्ट फेलियर, आपके कोलेस्ट्रॉल, आपके ओबेसिटी, उसके रिलेटेड ही हो रहता है। तो आप अगर अपने ज़िंदगी में 10 साल और जोड़ना चाहते हैं तो दोस्त यूज़ कीजिए इसको।